कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था, दे जरा। ये 4 से 8 वाले का, 0 से 4 वाले का, देखें एक क्वेश्चन है जो आंसर नहीं आ रहा था, ध्यान देंगे, एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्लास इंटरवल के साथ क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 0 से 4, यही ना है। इसको समझ लें, तो नहीं समझ लें, पहला मेथड कौन सा है, डायरेक्ट मेथड, पहला मेथड कौन सा है जी, आए देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ, यही ना है। तो एम बराबर क्या होता है, अपॉन टू, यही ना, माने एम बराबर मिड वैल्यू, एम बराबर, सबसे पहले यहाँ मिड वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 ये है और L2, तो 0 प्लस 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 2, 2 आएगा, अंतर कितने का है, चार चार का, तो इसमें भी चार चार का, क्लियर। अब एफ एम, एफ एम 4 × 8 = 48 × 10 = 20 = 14, 14 टोटल बताएं कितना आया था, 90, इसका टोटल 15 है ना, तो यहाँ क्या रख देंगे, 90/15 क्या था, 6, ये तो आंसर आ रहा था। लेकिन दूसरा मेथड आप कह रहे हैं ऐसे मेथड है ना, तुम लोग को ऑडिट का भी नोट्स दे देंगे, ऑडिट का, ऑडिटिंग है ना तुम लोग का ऑनर्स पेपर, ऑडिटिंग का भी नोट्स मिल जाएगा और उसका भी मिल जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, ठीक है, ऑडिट ऑनर्स है, ऑडिट का मिल जाएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा, अकाउंट्स पढ़ी रही हो, ठीक है, चले। अरे ये लो पुरान का सिलेबस का है, लो एक साल तुम लोग से सीनियर है, लो ये लो 22 वाला लो है, अभी एग्जाम नहीं हुआ, जेपी में लेट है। अरे मोहित एसिडमेंट मेथड का फॉर्मूला बोलो तो, डी बराबर एम माइनस ए, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ डी निकालेंगे। अब भाई एफ एम का कोई मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन अब नहीं मिटा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, इन्हें की एफ एम ओ नोट कर लेना, एसिडमेंट मेथड में, एसिडमेंट मेथड में एफ एम नोट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, M माइनस A, तो M में से A को एसिम्ट करेंगे, 6 को कर लें, चलो तो M कितना है, 2 − 6 कितना होगा, 0, 4 और कितना है, 8, तो D निकल गया, तो यहाँ आ जाएगा ना FD, तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, हाँ क्लियर क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे, ए कितना है वैल्यू बोलो, 6 प्लस सिग्मा एफ डी 0, सिग्मा एफ 15, सिग्मा एफ 15, तो ये आई गया आंसर, क्या दिक्कत है, 6 × 0/15 0 ही नहीं होता है, 6 क्या दिक्कत है, यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड भी निकल जाएगा, स्टेप डिवीजन मेथड इस क्वेश्चन का निकाल के दिखाएं, इस क्वेश्चन का स्टेप डिवीजन मेथड निकाल के दिखाएं, आइए क्या है स्टेप डिवीजन मेथड में क्या होगा, मीन इज इक्वल टू बोलो ए प्लस सिग्मा डी डैश बराबर क्या होगा, डी बाई सी, तो डी तो निकला ही हुआ है, डी तो निकला ही हुआ है, क्या करेंगे इसमें से डी डैश निकाल देंगे, डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी डैश बराबर क्या होगा, डी बाई सी, चार को ले लेते हैं सी, चार को सी ले लेते हैं, कितना आएगा, -1, 0, 1 और 2, तो कितना आ जाएगा,
दो एक तीन माइनस वन कितना आएगा, दो दो एक तीन और वन घटेगा ना, कितना आ जाएगा दो। फॉर्मूला पर रखो, ये कितना है छः प्लस सिग्मा एफ डी डैश कितना आएगा टू, सिग्मा एफ कितना है 15, अस्सी कितना है 4, यही ना है। बा मोहित बा एफ डी डैश मारो ताली। कितना होगा माइनस फोर जीरो दस चौदह दुना 28, कितना होगा जी अच्छा दो आ दो यानी कि जीरो हो जाएगा है ना, हम एम में से मल्टीप्लाई करते। डाउट हो गया, आगे बढ़ा जाए। देखो तो यहाँ वैल्यू पुट करो, एफ डी डैश कितना आएगा जीरो, सिग्मा एफ कितना है 15, सी कितना है 4, अरे 4 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो गया, आ जीरो पढ़ना 15 जीरो ही होगा, अरे 4 मल्टीप्लाई करेगा जीरो, आ जीरो पढ़ना 15 जीरो, आंसर कितना आएगा क्लियर नहीं आया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट है इसमें इसमें। अरे इतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा ना, अब बोर्ड पे जो बोल रहा है वो ध्यान दीजिए ना, आए इसमें कहा नहीं समझ में आया पूछे, आया क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ा जाए। और क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ाते हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे स्पेशल केस, क्या पढ़ते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज तक खत्म हो गया, कंटिन्यूअस सीरीज में कुछ स्पेशल केस है, मिटा दें इसे। छह आंसर आएगा, ध्यान दो। आए मोहित रहने दो, जमील बाद में हमसे चेक कर लेना। देखो यहाँ स्पेशल केस में पहला है इंक्लूसिव सीरीज, पहला क्या है इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव ध्यान दो बाबू, आए इंक्लूसिव सीरीज। एक बात ध्यान देना कि तुम लोग बोर्ड पे एक करो ऑन, यहाँ ध्यान दे बोर्ड पे सभी लोग। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब था कि अभी आपने लिखा था 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 8 से 12 ऐसे समथिंग लाइक दैट लिखा था। अब मैं ऐसे लिख दूं कि 0 से 4, 5 से 8, 9 से 12 ऐसे लिख, दोनों सीरीज में कुछ अंतर दिख रहा है। अगर मान लो इसको L1 बोलते हैं, इसको L2, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट, फिर उसी तरह इसको L1 और इसको L2 लिख दूं, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट। अब मैं कहने का कोशिश ये कर रहा हूँ कि इन दोनों ही तो सीरीज है ना, दोनों तो क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, तो दोनों सीरीज में अंतर क्या है। अब जरा समझना कि यहाँ पे क्या हुआ है कि L2 जहाँ खत्म हुआ है, सोना करण L2 जहाँ खत्म हुआ है, L2 वहीं से L1 चालू हुआ है, L2 जहाँ खत्म हुआ है L1 वहीं से स्टार्ट हुआ है, L1 वहीं से। तो इस तरह के सीरीज को जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो इस तरह के सीरीज को बोलते हैं एक्सक्लूसिव, इस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज, इस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं। और ये L2 जहाँ खत्म हुआ है, एक बढ़ के L1 शुरू हुआ है, एक बढ़ के L1 शुरू हुआ है, that type of series is called inclusive series, that type of series is called inclusive series, clear? इस तरह के सीरीज को क्या बोलते हैं, एग्री करते हो। अब जरा समझना कि जब क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो, इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो, मीन में
जब क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो, पहला स्पेशल केस है इंक्लूसिव सीरीज, जब क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज में दिया हो मीन में, तो हमें इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलना जरूरी नहीं होता है, मीन में बदलना जरूरी और नहीं होता, लेकिन मीडियन और मोड आगे पढ़ेंगे तो उसमें बदलना जरूरी होता है। किस से? इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में, मीडियन और मोड में, मीन में देयर इज नो नीड टू चेंज, देयर इज नो नीड टू चेंज इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में देयर इज नो नीड टू चेंज, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना जरूरी नहीं है। समझ में है ना? इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज करना जरूरी नहीं है। समझ में है ना? मीन पढ़ रहे हैं तो मीन में इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में बदलना जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है? बुक का क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो ये है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, दिख रहा है कि L1 और L2, L2 जहां पे खत्म हुआ है वहीं से L1 ना चालू होके एक बढ़ के चालू हुआ है। तो दैट टाइप ऑफ सीरीज इज कॉल्ड क्या? इंक्लूसिव सीरीज। इस तरह की सीरीज को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव सीरीज। तो जब इस तरह का सीरीज मीन में दिया होता है, जब इस तरह का सीरीज मीन में दिया होता है, तो देयर इज नो नीड टू चेंज इन एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना जरूरी नहीं होता। इसका मतलब कि रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, रेस्ट प्रोसीजर रिमेंस द सेम, आगे का जो प्रोसीजर पहले जो हम कर रहे थे वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। इसका मतलब कि अगर डायरेक्ट मेथड का तो फॉर्मूला यही होगा, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो यही होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। लेकिन कहानी जो कहना था मैंने कहा क्या कि अगर क्वेश्चन मीन में इंक्लूसिव सीरीज में दिया है तो देयर इज नो नीड टू चेंज इन एक्सक्लूसिव सीरीज, कोई जरूरत नहीं चेंज करना। लेकिन मीडियन और मोड पढ़ेंगे तो उसमें चेंज करना होता है, क्योंकि उसका फॉर्मूला ही कुछ उस तरह से होता है जिसको चेंज करना ही पड़ेगा। तो चेंज वहाँ मीडियन और मोड में होता है, तो वहीं सीखेंगे कि कैसे होता है, यहाँ क्यों बर्डन डाला जाए। यहीं पे अभी अभी तो समझ ही रहे हैं, क्यों ही बर्डन डाला जाए, क्या दिक्कत है? तो यहाँ नहीं सीखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जरा समझना कि फॉर्मूला तो ये रहेगा, फॉर्मूला तो मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड वैल्यू निकालें, फॉर्मूला क्या होता है? अपॉन टू क्या हो जाएगा? 20 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 49 अपॉन 2 कितना आएगा? 24.5 24.5। क्लियर है? चलो तो 10-10 का अंतर है तो 10-10 का आएगा, देखो कितना आ जाएगा, 24 10 44.5 54 पॉइंट और 64.5। अब एफएम कर देंगे, एफएम कर दे, टोटल आंसर लाएं। नहीं समझ में आया? वहां मैथ्स कौन पढ़ाता है? कोई डाउट इसमें? बोलो प्रशांत, नहीं समझ में आया? नहीं आया? हाँ, क्लियर? और कोई डाउट किसी को? नहीं आया समझ में? वही काम किए हैं जो उसमें होता था, जो उसमें होता था, क्या किए हैं? हाई एल वन हाई एल टू बटा टू कितना का कितना आएगा? पॉइंट में आएगा 49 को, उसी तरह हाई दोनों को मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाई 2 किए हैं तो कितना है? तो 10-10 का गैप इसमें है ना, तो इसमें भी 10-10 का गैप आएगा, करके देख सकते हैं। लेकिन बार बार नहीं किया जाता है, समझे? कॉन्सेप्ट कहता है कि एक क्या करें, उसके बाद क्लास इंटरवल का गैप देखें, जितना उसमें गैप आया उतना ही इसमें भी गैप आएगा। हो सकता है तब ना, अभी तो नहीं है ना, नहीं है तो नहीं है, बस जो है सो है। नोट करो, इसका आंसर लाके तनी दिखाओ। 64 64 54 64 है, हाँ 69 है ये। नहीं होगा ना वैसे, कोई भी कुछ भी थोड़े होगा, एक बराबर अंतराल होगा ना, ऐसा कुछ भी थोड़े होगा। हाँ तो तीनों मेथड से बना के दिखाना है, तीनों मेथड से बना के दिखाना है, फटाफट बना के दिखा दो।
चलो बताए खत्म करते हैं। रुके ही हैं। फॉर्मूला क्या होता है असाइनमेंट मेथड का? मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? टी इज इक्वल टू एम माइनस ए। टी इज इक्वल टू, देखें बोर्ड पे, टी इज इक्वल टू क्या होगा? एम माइनस ए, माने एम में से ए को अस्यूम करना है। डी इज इक्वल टू एम माइनस ए का मतलब एम में से ए को क्या करना है? अस्यूम करना, डेट इज द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ आप एफ एम को छोड़ देते हैं, एफ एम आप लोग निकालिएगा। डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, तो किसको एम निकला नहीं हुआ है दे? हाँ माने अलग लिखिएगा तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ तो एम निकला हुआ है, आगे बढ़ा जाए तो एम में से किसी एक क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन कर लें, कर लेना, ऐसा नहीं कि हमको याद है, हम किसी को कहिएगा और आगे बढ़ा जाए। तो 24.5 माइनस 34.5 कितना आएगा? 10 है, यानी कि माइनस का 10, माइनस का 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, कोई दिक्कत? सबसे ऊपर वाला नीचे वाला को छोड़कर और बीच में किसी एक क्वेश्चन कर सकते हैं, हाँ आ जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत इसमें? चले तो डी आ गया तो एफ डी कर दें, डी आ गया तो एफ डी इसमें और एफ में मल्टीप्लाई करें तो 10 दाइयाँ 100 हो जाएगा, 10 दाइयाँ 100, यानी कि माइनस का 100, क्योंकि माइनस का साइन है, और हाई 0 में 8 में 0 से करिए 0, हाई 10 है 10 6 60, हाई 20 है 20 ओके 80, आज 30 दुना 60 आ गया सिग्मा एफ डी, तो 60 60 120 200, यानी कि कितना आ जाएगा? 100, हाई माइनस कर देगा 100, आई पहले ये नहीं बन रहा था जी। हाँ तो भाई मोहित पहला क्लास में एडमिशन कराओ, ये कितना है? 34.5, 34.5 प्लस एफ डी कितना है? 100, और सिग्मा एफ कितना आया? 30, सिग्मा एफ माने इसका टोटल, सिग्मा एफ 4 2 6 6 12 12 8 20 10 30 कितना आएगा? 30, कोई दिक्कत? यहाँ पुट कर दें वैल्यू 30, अब इसको कैसे निकालेंगे? 0 से 0 खत्म, आई 3 3 9 1 3 3 9 3.3333 आएगा ऐसा ही ना, 3.33, 34 3 38 4 3 7 होगा, हाँ 37.87। तो स्टेप डिवीजन मेथड बना के दिखा दें, कम से कम बना दिया, आंसर आ गया, वेरी गुड। चलें जिसका नहीं बना घर से बना के लेके आएंगे लोग, ठीक है? स्टेप डिवीजन